ଏଟା କଣ କହୁଛି ଅଖମୁଠି କଣ ଧାନ ବୁଣା ଯାଏ ଏଟା କ୍ଷେତ ଗୁଡା ଧାନ ପୂଜା ହବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂଜା ସେଇଟା ଧାନ ବୁଝା ବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମଇଦାନର ଅଛି ପୂଜା ହବ କ୍ଷେତ ଗୁଡା କରିଯା କଣ ଅଛି ଦେଖ ରହିଥିଲେ ହେଲାନି हाँ दोस्त गुड इवनिंग। आज हमारे धान के काम जो कटाई खत्म हो गया, इसलिए हम दो धान के जो थोड़े बहुत लास्ट खेती में छोड़ के आए उसको हम उठा के लाएंगे, जो कि मकर संक्रांति में पूजा होगा। इसको हम बोलते उड़िया में खेत बड़ा के लाएंगे और इसके हिसाब से पूजा करेंगे और उसको उठा के जो 3-4 धान के पौधे छोड़े हुए उसको उठा के लाएंगे और उसके बाद उधर प्रसाद चढ़ाएंगे। कौन कौन प्रसाद अच्छी और प्रसाद लगा के आएंगे। चलो 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 सीधा चलो हम धान के खेत की तरफ चले। अभी हम खेत की तरफ से जा रहे हैं। हाँ दोस्त, फाइनली हम खेत के साइड पहुंच गए। जो पूरी खेत में धान काटने के बाद ये थोड़े बहुत लास्ट में जो चोटी चोटते हैं ये है धान की। पहले हम जो अक्की मुठी छोड़े थोड़े बहुत इसको हम पूजा करेंगे। आई सी सपोर्ट उठ जान अंदर साइड पूड़ी भी तल लगो हवा दो जा हम उसको धूप धूप दिया दे पूजा करेंगे
इसको जो धान के जो तीन चार पौधे छोड़े हुए हैं इसको उठा के लेके जाएंगे। ये फिर मकर संक्रांति जो 15 जनवरी को अक्षय मुठ हिसाब से पूजा होगा। अभी मम्मी इसको उखाड़ रहे हैं। चलो अब इसको हम घर ले चलेंगे। दे तू ये फोटो क्या फोटो मो करता है ये हमारे कल्चर है उड़ीसा की, ये हमारे परंपरा है। और लाने के बाद उसको बच्चों को प्रसाद खिला रहे हैं।